ये प्राइम मिनिस्टर की पगड़ी और इज्जत का सवाल है और राष्ट्र की इज्जत का सवाल है कि कश्मीर का विकास करना है, कश्मीर में पत्थरबाजों के हाथ से पत्थर छुड़वा करके उनके हाथ में कलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में विश्वास बहाली और सुरक्षा के हालात पर नजर रखने के लिए एनएसए अजीत डोवाल लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। आज उन्होंने श्रीनगर में संवेदनशील इलाकों में लोगों से मुलाकात की। अजीत डोवाल की आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी मुलाकात हुई। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एमएस बिट्टा हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। इफ्तिखार मिसकर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं। तहसीन पुनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के करीबी कहे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए हैं कि कश्मीर से कर्फ्यू जल्द से जल्द हटा दिया जाए। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सलमान निजामी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के करीबी सलमान निजामी भी कहे जाते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल, एमएस बिट्टा, मसला क्या ईद का है या मसला इस बात का है कि क्योंकि 370 हटी है तो अब किस तरीके से या किस रंग से उस चीज का विरोध किया जाए? देखो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका कोई जब 370 धारा का मामला आया, जो मुझे लगता है ये शोर मचा कि बिल्कुल कोई खुशी नहीं मनाएगा, ना कोई जीत है ना कोई हार है। इस वक्त पूरे राष्ट्र की इज्जत का सवाल है जो मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि जब ये 370 धारा का मामला आया, हम किसी चैनल में 35A की चर्चा कर रहे थे कि ये हटेगी और तीसरे दिन या दूसरे दिन फैसला आया। अगला जो मेरा अनुभव, जो मैं मेरा अनुभव कहता है, ये प्राइम मिनिस्टर की पगड़ी और इज्जत का सवाल है और राष्ट्र की इज्जत का सवाल है कि कश्मीर का विकास करना है, कश्मीर में पत्थरबाजों के हाथ से पत्थर छुड़वा करके उनके हाथ में कलम और उनके हाथ में फोर्स और उनके हाथ में आईएस बनाना है, ये इज्जत का सवाल है। हमारी किसी से मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। जहां तक ईद का सवाल है, मैं आपको पंजाब की थोड़ी सी बात लेके, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन पंजाब में हुआ उस वक्त भी कई गुरपुरब आए, मेरे सामने में हमारी रहस्य है, हमें भी 10-10, 15-15 दिन अपने अंदर रहना पड़ा, सिर्फ आधा घंटे के लिए हमें छोड़ते थे तो हम क्या कहें कि आपने हमें बंद कर दिया। अगर एक तरफ गोला बारूद अंदर चला गया, एक तरफ बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, पब्लिक को मारा जा रहा है, आज पंजाब में अमन शांति आया, इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए, कश्मीर की अमन शांति के लिए, कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए, अगर एक बार ऐसा स्टेप उठा करके हमेशा की ईद सुंदर और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से पूरे राष्ट्र दुनिया में मनाते हैं, हम भी जाके मनाएं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। नाम जरूर आपके प्रोग्राम का दंगल है, पर मैं चाहूंगा आज दंगल ना हो, आज किसी को पीड़ा ना हो। अगर कश्मीर के अंदर शांति लाए हैं, हमारी आपस में तू मैं ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, कश्मीर एक इज्जत का सवाल है, हमारी आपकी सबकी मीडिया की और आने वाले वक्त पे हम चाहेंगे कि आपके अंदर जो भी डिबेट हो, कश्मीर का मामला ना आए, आपके अंदर विकास का पूरे राष्ट्र का मामला है, आपके अंदर पूरे देश की तरक्की का मामला है, राष्ट्र को मजबूत, आपका भी टाइम हम वेस्ट करते हैं, कई वर्षों से, पुराना मानिए, कई वर्षों से हम डिबेट कर रहे हैं, हम चाहते और बड़े मुद्दे हैं, कश्मीर अकेला मुद्दा नहीं, और कश्मीर अकेला मुद्दा था जिसके कारण 26/11 हुई, जिसके कारण पार्लियामेंट हुआ, जिसके कारण दिल्ली में ब्लास्ट हुए, जिसके कारण जयपुर के अंदर 120 लोग मारे गए। कितनी देर तक हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख को, ईसाई हो, कोई भी मारा जाए, जवान हो, शहीद हो, वो इंसान है, इंसान का, कुदरत का इंसान है। अब बिट्टा साहब, आपने एक बात का जिक्र कर दिया कि पंजाब में भी जब आतंकवाद से लड़ाई हुई, उन्होंने कहा कितने ऐसे गुरुपर्व चले गए जिसमें हमें आधे घंटे की छूट मिलती थी कि जाओ गुरुद्वारे मत्था टेक के वापस आ जाओ। कश्मीर में क्या आफत आ गई है फिर? क्यों ईद को लेकर इतना बड़ा तांडव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हाय देखो त्योहार के ऊपर हमला कर दिया सरकार ने? मैं बिट्टा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, आप सरप्राइज हो, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत सही बात उन्होंने की। बिट्टा जी बोलिए, क्या हालात काबू करने के लिए या हालात सामान्य बनाने तक ये जरूरी है कि बंद रखा जाए तालों में लोगों को, बंदूकें लगाई जाए बाहर? देखो, एक आप बार बार आप
पंजाब के हालात की, तो पंजाब की तो सेम पोजीशन थी। हाँ। पंजाब में भी 36,000 बेगुनाहों के खून हुए, बसों से निकाल के सिख समाज के लोगों को छोड़ दिया जाता था, हिंदू समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता था, हमने देखा है, शरीर पे जख्म जेले हैं। ये तो कितने दिन, 5 दिन 6 दिन, आप खुद ही कह रहे 144 हट गई, सुबह स्कूल खुल रहे। तो मैं एक चीज कहूं, जो आज की डिबेट होगी आप में सबसे अच्छी डिबेट होगी, ना भाटिया जी को फालतू बोले, ना पूनावाला जी बोले, ना ये भी मेरे साथ बैठे, इनकी कई बातें इनकी भी समझने की जरूरत है कश्मीरियों की, कि अगर बाहर से इंडस्ट्री आती वो बैठे, पर आम कश्मीरी का जो आम नागरिक है इतनी सालों से दबा हुआ था, साहब 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखेड़ना और उसके बाद फिर उसको नई तैयारी से खड़ा करना, सामने पाकिस्तान खड़ा है। मैं फिर कहूं, ये पूरी राष्ट्र की इज्जत का सवाल है। एकदम अगर हल्की सी को गलती इधर से इधर होगी, हम लोग रोज डिबेट में आते जवाब नहीं दे पाएंगे। ये इज्जत का सवाल है, इसको नरेंद्र मोदी करेगा, हर हालत में करेगा। आप अमित, देखो मैं अमित शाह जी का कभी नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी से कभी नहीं मिला। मैंने पार्लियामेंट के अंदर जो अमित शाह जी की जो मैंने भाषण सुना, मैंने कभी किसी नेता का सुना ही नहीं, मैं सुनता रह गया। एक एक चीज मुझे मिली, मैं पीछे कश्मीर गया, जम्मू गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एयरपोर्ट आया, देखा ना, मैं कहा प्लेन निकल जाए पर मैं सुन के जाऊंगा। जब वहां के बच्चों की, वहां की इंडस्ट्री की, वहां के विकास की, वहां की तरक्की की अगर बात, देखो हम पॉलिटिशियन है, हम बैठ के अपना अपना जो मर्जी बोलते रहेंगे, हम तो आम नागरिक, जिसकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मैं नहीं कहता बीजेपी के, मेरा कोई तलक नहीं बीजेपी, इतने सालों से लड़ाई, अगर एक वहां से हर चीज निकल के, हमारे जवान वहां फंसे हुए हैं, रोज बंदूक के गोलियां लेके, 40 शहीद, 18 शहीद, 20 मारे गए, पत्थर चल गए, वो मारा गया, अगर वो चीजें समाप्त हो जाएं तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा जनाब, हमने लड़ना नहीं है। लड़ाई वाला तहसीन पूनावाला, ये इतने लंबे समय कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, बहुत बहादुर सिपाही, जिस कांग्रेस के एक यूथ विंग के आप भी सिपाही जी, आप उन गुलाम नबी को बचाते हैं बैठ के जो कह रहे हैं कि कश्मीरी पैसे लेके फोटो खिंचा रहे हैं, आपको ये फीलिंग नहीं समझ में आती क्या? अगर इनको समझ में आती है तो, ये मेरे भाई भारत माता के लिए ने जख्म लिया है। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं दोबारा इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, कहा कश्मीर में तरक्की आएगी, सोने की चिड़िया है कश्मीर में, सब बातों से इत्तेफाक रखता हूं। 2012 में मैं कश्मीर में था, ललित होटल में रुका, ललित होटल के मालिक दिल्ली में रहने वाले, 370 के तहत कहते निवेश नहीं हो सकता ना बाहर वालों का, ताज होटल है वहां पे, रतन टाटा शायद मुंबई में रहते, खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। राजनाथ सिंह जी के आंकड़े, तो आप कह रहे हैं कश्मीर में सब ओके था, मैं अपनी बात रख दूं, कश्मीर में सब ओके था, जो जहां खोलना चाहता मैं अपनी बात रख सकता हूं, आपने क्यों नहीं खोल लिया फिर अपना एक, मैं अपनी बात रखता हूं, थैंक यू सर। भाई आप भी तो इन्वेस्टर हैं, आपने क्यों नहीं खोल लिया, मैं उसी का जवाब देता हूं। 2012 में आ रहा हूं गौरव जी, इनके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, 2000 आप ही बोलेंगे इनके बाद गौरव जी, मैं एक चीज बता दूं, ऐसे होगा माहौल ठीक, मेरी बात इस जहर के साथ अंदर, तिरंगे झंडे की बात हुई, पंजाब में 2 झंडे किए जाते थे, तिरंगा झंडा, मैं आपको उस वक्त की बात बताता हूं जब गांव से कोई व्यक्ति निकलता नहीं था और हम बच्चे भर के तिरंगा झंडा लेके बसों से निकलते, उतर के जब निकलते कोई हमारे काफले में शामिल हो गया, शाम की उस गांव की मौत, पर हिंदू मुस्लिम सिख के इतिहास पे जाइए, मसला ये आ गया सर, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, केवल इतना कह रहा हूं, बार बार हम इतिहास में चले जाते हैं, अब क्या समय भविष्य की तरफ देखने का नहीं है, क्या समय उस दिशा में देखने का नहीं है कि पीछे की चीजों को भूल के आगे बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाया जाए, या फिर पीछे में ही फंसे रहकर अपने भविष्य को भी खराब करना है, ये आप सब लोगों को सोचना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देख रहे हैं आज तक।